नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफिल मिरर, हर पल आपके साथ। अच्छा लग रहा है कि हमको इस बात पर निर्भर कर रही है कि हमारे बुनियादी जो सवाल है, जिंदगी से जुड़े हुए जो सवाल हैं, उसमें शिक्षा अर्जन, अपने कैरियर को बनाना, कैरियर की तैयारी करना, यही हमारे असली सवाल है। लेकिन चुप कब होता है जब कभी कभी हम भावनाओं में बहकर हमारे जीवन के जो बुनियादी सवाल है उससे दूर हट जाते हैं और भावनाओं भावनात्मक मुद्दों पर भाग जाते हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, इस लाइब्रेरी से जो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने कैरियर के बारे में सोचे एवं जिंदगी के जो बुनियादी सवाल है उस पर चर्चा करें और सही ढंग से जीवन यापन करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस पर उनका ध्यान ज्यादा हो। बनिस्पत इसके कि भावनाओं में बहकर कोई सिद्धांत हम ले। आप जानते हैं कि आसनसोल नगर निगम के द्वारा ऐसे बहुत से कॉम्पिटेटिव लाइब्रेरी का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि आदमी वही काम बार बार करता है जिस काम की प्रशंसा होती है। अच्छे काम की प्रशंसा यदि हो तो आदमी अच्छा काम करता है, बुरे काम की यदि प्रशंसा हो तो आदमी बुरा काम बार बार करने लगता है, क्योंकि उसी से प्रशंसा नहीं होती। चुनाव के पहले तक ऐसा कहा जा रहा था कि आसनसोल नगर निगम बहुत अच्छा काम कर रहा है। सही में यदि आसनसोल नगर निगम बहुत अच्छा काम कर रहा था तो चुनाव में ये परिणाम क्यों हुआ, और चुनाव में जो परिणाम हुआ वो अच्छे काम का समर्थन था या बुरे काम का समर्थन था, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि हम लोग जो राजनीति से जुड़े हुए हैं हम किस बात पर ध्यान दें, आपके भविष्य को संवारने पर ध्यान दें या फिर भावनात्मक भावनात्मक जो मुद्दे हैं उनको उजागर करके आपका वोट लें। जो रास्ता दूसरे अपनाते हैं वो रास्ता हम लोग भी अपना सकते हैं। चुनाव के पहले भारत पाकिस्तान का मुद्दा हम लोग उठा सकते, चुनाव के पहले हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हम लोग उठा सकते, लेकिन जो चीज हम लोगों को इससे रोकती है वो ये है कि हम जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का मुद्दा उठाने से हमारे बेरोजगार जो युवा हैं उनको नौकरी नहीं मिली, हम जानते हैं कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाने से हमारे पेट में भाग नहीं आएगा, लेकिन यह हमारी विफलता है कि इतना काम करने के बावजूद जब परिणाम का समय आता है तो हमारे बच्चे भावनात्मक मुद्दों को ही ज्यादा ध्यान देते हैं और ऐसा करके वो जो लोग कुछ नहीं करते हैं उनका उत्साह बढ़ाते हैं और उन्हें ये लगने लगता है कि आसनसोल की जो मिट्टी है यहां बिना कुछ किए भी वोट में बार बार जीता जा सकता है। निर्णय आपको लेना है कि आने वाले दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि बिना कुछ काम किए यदि लोग वोट में बार बार जीते रहे तो जो लोग काम करना चाहते हैं उनके उत्साह में कमी आएगी और मेरे उत्साह में भी कमी आएगी। मेरी यह समझ में नहीं आ रहा कि लोग चाहते क्या, क्योंकि अपनी बुद्धि के अनुसार अपने ज्ञान के अनुसार तो मैंने हमेशा युवा समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनके करियर के बारे में सोचा जाए, कैसे उनके भविष्य के बारे में सोचा जाए, इस पर ही ज्यादा ध्यान दिया। तो फिर क्या कारण रहा कि चुनाव के समय ये सारे मुद्दे गौण हो गए और जिसने कुछ नहीं किया 5 वर्षों तक आसनसोल के लिए कुछ नहीं किया उसको हर इलाके के साथ साथ यहां के लोगों ने भी भारी मत से विजयी बनाया। निर्णय आपको लेना है। खनानंद बीथी की कविता आप लोग पढ़े
अब तक नशानी अपना नशे। तो मैं भी एक बात आपके सामने कह चलना चाहूंगा, ये नया युग है। घनानंद मिट्टी की कविता से मेल खाता हुआ है अब जो नया सिंपल सुर चला है कि अब तक ठगानी अपना ठगाई, जितना ठगाना था मैं भी ठगा गया, अभी तो ठगाने वाले नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा कि 5 साल तक काम करेगा जितेंद्र तिवारी और वोट मिलेगा बाबू सुप्रियो का, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि मैं जब काम करता हूं सुबह 7 बजे से लेकर आप 12 बजे तक मेहनत करते रहते, तो मेरी यह प्रत्याशा होती है कि जिसके आशीर्वाद से मैं इतना काम कर रहा हूं, जिसके प्यार से मैं इतना काम कर रहा हूं, जिसके सहयोग से मैं इतना काम कर रहा हूं, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो जब पूछे कि तुमने आशुतोष के लिए इतना कुछ किया, तो आशुतोष के लोगों का समर्थन भी जाकर दिखाओ, तो हम कम से कम कह सके कि आप देखिए आपने मुझे इतना कुछ दिया तो यहाँ के लोगों ने भी आपको समर्थन दिया। लेकिन मुझे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, जो मांगा था आप लोगों ने, जो मांगा था वही मैंने दिया, देने का प्रयास किया। लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने चुनाव के बाद उनके आंख में आंख डालकर बात करने की मेरी हिम्मत नहीं है, सर से आंख टूट जाता है। वो मुझे कुछ नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा कि मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, तुमने मेरे साथ धोखा किया। आने वाले दिनों में निर्णय आपको लेना, आपको मुझे नेता बना के रखना है कि परिवार का सदस्य बना रखना है। नेता बना के रखना है तो ठीक है, आप भी मेरे साथ चालाकी कीजिए, मैं भी आपके साथ चालाकी करूं। और परिवार का यदि सदस्य बनाना चाहते हैं तो परिवार के सदस्य की सम्मान की रक्षा भी आपको करनी है। और नहीं तो बोल दीजिए कि आपकी जरूरत नहीं है, चाहिए। आप लोगों ने ही प्यार दिया तभी आज यहां पर बैठा हुआ। जिस दिन आप चाहेंगे कि ना मुझे चले जाने चाहिए, एक मिनट भी समय नहीं लगेगा, मैं चला जाऊंगा अपने पुराने जगह में चला जाऊंगा, ये जो कुछ भी है छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन कुर्सी पर बैठा कर जलील करना बंद। कुर्सी पर बैठा कर मेरे दुश्मन मुझे जलील करें मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन कुर्सी पर बैठा कर मेरे घर के लोग मुझे जब जलील करते हैं तो दर्द होता है, और मुझे इस दर्द से उभारने बाहर निकालने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।